हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो जो कि है रिगार्डिंग रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन के ऊपर। तो इसके लिए जो मैं कंटेंट प्रेफर करूँगा आप लोगों को वो है गिग्स फॉर गिग्स का ही, ठीक है। सो एवरी डिसीजन ट्री हैज़ हाई वेरियंस। जितने भी डिसीजन ट्री होते हैं ना, एक सिंगल डिसीजन ट्री का जो वेरियंस होता है वो काफ़ी हाई होता है, लेकिन जब हम उनको कंबाइन कर देते हैं, एक साथ ले आते हैं पैरेलली, देन द रिजल्टेंट वेरियंस इज लो एज ईच डिसीजन ट्री गेट्स परफेक्टली ट्रेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा, सैम्पल डेटा। जब हम उनको है ना एक साथ कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, जो उनका वेरिएंस है वो काफ़ी लो जाता है, क्योंकि हर एक जो डिसीजन ट्री है वो परफेक्टली ट्रेंड होता है एक पर्टिकुलर डेटा के ऊपर, एंड हैंस द आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन वन डिसीजन ट्री बट ऑन मल्टीपल डिसीजन ट्रीज। अब जो आउटपुट है वो एक डिसीजन ट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो मल्टीपल डिसीजन ट्री के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम द फाइनल आउटपुट इज टेकन बाई यूजिंग द मेजोरिटी वोटिंग क्लासीफायर। अब वो क्या करता है कि फाइनल जो आउटपुट है, अगर मान लीजिए कि 10 में से अगर 9 डिसीजन ट्री ने बोला कि ये पर्टिकुलर जो डेटा है वो इस क्लास से रेफर करता है, तो हम क्या करेंगे, उसी मेजोरिटी के साथ में आगे जाएंगे, एक को छोड़ देंगे, तो हम मेजोरिटी डिसीजन ट्री के ऊपर जाएंगे। क्या होता है ना कि एक जो डिसीजन ट्री है वो दिक्कत दे सकता है, लेकिन बहुत सारे डिसीजन ट्री के साथ में ये दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, जो हाई वेरिएंस की जो दिक्कत है वो नहीं आती है। दिस सो इन दिस केस, इन द केस ऑफ रिग्रेशन प्रॉब्लम द फाइनल आउटपुट इज द मीन ऑफ ऑल द आउटपुट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एग्रीगेशन, ठीक है। सो व्हाट इज रैंडम रिग्रेशन? रैंडम रिग्रेशन होता क्या है? रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन जो है इज एन असेंबल टेक्निक। असेंबल मतलब कई चीज़ों को जोड़कर बनाना, असेंबल करना। कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन टास्क विद द यूज ऑफ मल्टीपल डिसीजन ट्रीज एंड अ टेक्निक कॉल्ड बूटस्ट्रैप एंड एग्रीगेशन। बूटस्ट्रैप और एग्रीगेशन मैंने बता दिया ना, किसी चीज को मीन, बहुत सारे जो डिसीजन ट्री हैं वो अपना एक वैल्यू आउटपुट जनरेट करेंगे, उनका मीन निकाल लेंगे। सो कॉमनली बूटस्ट्रैप एंड एग्रीगेशन को हम बैगिंग बोलते हैं, ठीक है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस इज टू कंबाइन मल्टीपल डिसीजन ट्री इन डिटरमाइनिंग द फाइनल आउटपुट रादर देन रिलाइंग ऑन इंडिविजुअल डिसीजन ट्री। ओके, सो रैंडम फॉरेस्ट हैज मल्टीपल डिसीजन ट्री एज बेस लर्निंग मॉडल्स। वी रैंडमली परफॉर्म रो सैम्पलिंग एंड फीचर सैम्पलिंग फ्रॉम द डेटा सेट, फॉर्मिंग सैम्पल डेटा सेट फॉर एवरी मॉडल। दिस पार्ट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप। सो हम रैंडमली परफॉर्म करते हैं रो सैम्पलिंग या फिर फीचर सैम्पलिंग डेटा सेट के ऊपर, फॉर्मिंग सैम्पल डेटा सेट फॉर एवरी मॉडल। तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप। वी नीड टू अप्रोच द रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन टेक्निक लाइक एनी अदर मशीन लर्निंग टेक्निक। सो वही है यार, अब मैं देखो इसका प्रोग्राम लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रैंडम फॉरेस्ट का अपने पास में कोड है जो कि मैं मशीन लर्निंग के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, स्किट लर्न जो लाइब्रेरी है उससे मैंने इंपोर्ट कर लिया डेटा सेट्स को। अब डेटा सेट्स अपने पास में बहुत सारे डेटा सेट्स हैं वहाँ पर पहले से अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं उनको क्या करूँगा, इम्पोर्ट कर लूँगा इरीज के अंदर। मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने डेटा सेट्स डॉट लॉड इरीज जो फंक्शन यूज़ करके इरीज के अंदर मैंने वो फंक्शन, वो जो कम्प्लीटली डेटा है वो इसके अंदर ले आया। अब आप बोलोगे इरीज क्या है भाई, ये फ्लोवर्स के जो कैटेगरीज है ना, सितोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका, इनकी एक क्लास का डेटा सेट है, इस इन तीन क्लास से एसोसिएटेड एक डेटा सेट है, ठीक है। सो मैंने वो इसके अंदर ले आया। अब मैं इन्हें क्या किया, देखो हमारे पास में, मैंने आपको बहुत बार ये मशीन लर्निंग वाली वीडियोस में बताया, टारगेट वेरिएबल होता है जो आउटपुट होता है, और फीचर ने जो नेम्स होते हैं वो एक्स होता है। तो एक्स तो हमारा फीचर नेम हो गया और ये जो टारगेट वेरिएबल है ये इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि यार लॉट इरीज से जो डेटा सेट्स के अंदर जो लॉट इरीज है, अब मैं क्या कर दूंगा, उसको एक्स और वाई के फॉर्मेट में रिटर्न करवाओ यार मेरे को, ठीक है। सो जब एक्स और वाई की फॉर्मेट में रिटर्न करवाऊंगा तो मेरे को मिलेगा एक्स के अंदर तो एक्स चला जाएगा और वाई के अंदर वाई वाला डेटा चला जाएगा। तो मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, एक सेकेंड। तो कुछ इस तरीके से डेटा आएगा, तो ये एक्स एक्सेस
जो एक्स के अंदर जो डेटा है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, और जो वाई के अंदर डेटा आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। ये 0, 1, 2 ये क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किस क्लास से है, मतलब कि इसके अंदर चार फीचर्स है हमारे पास में, ठीक है। चार फीचर्स कौन कौन से हैं? एक तो सेपल लेंथ हो गई, सेपल की विड्थ हो गई, पेटल की लेंथ हो गई, पेटल की विड्थ हो गई, और तीन क्लासेस हैं, सीटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। ऐसे करके तीन क्लासेस हैं और चार फीचर्स हैं, ठीक है। सो ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, सॉरी एक्स और वाई के अंदर ये डेटा आ जाएगा हमारा, ठीक है। जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है टारगेट वैल्यूज को, ठीक है, जो क्लास है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने डेटा ले लिया, सबसे पहला तो काम है डेटा लेने का, तो मैंने इसको लिख देता हूँ, कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, ले लिया हमने डेटा। अब मैंने क्या किया, इस डेटा को मैं स्प्लिट कर लूंगा। यार कैसे स्प्लिट करूंगा? स्किट लर्न के अंदर ही मॉडल सिलेक्शन के अंदर जो हमारा है वो एक फंक्शन है, वहां पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, वो क्या करता है कि मतलब डेटा को स्प्लिट कर देता है। ट्रेनिंग डेटा अलग हो जाएगा और टेस्टिंग डेटा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई, ये तो ट्रेन करने के लिए, ये एक्स और ये वाई जो है वो ट्रेन करने के लिए, और ये एक्स और ये वाई है वो टेस्ट करने के लिए। हम ये रखते हैं कि 70 या 80-20 रूल, 70-30 या 80-20 रूल रखते हैं। 70-30 का मतलब है कि 70% तो हमारा ट्रेनिंग के लिए डेटा और 30% हमारा टेस्टिंग के लिए। वही 80-20 का मतलब क्या हो गया, 80% ट्रेनिंग के लिए और 20% टेस्टिंग के लिए डेटा, ठीक है। सो इसलिए हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर लिया। तो मैंने यहाँ पर क्या रखा है, 70-30 रखा है। क्यों रखा है? देखो यहाँ पर 0.30 रख दिया, तो मैंने कह दिया जो टेस्ट साइज है वो 30% होनी चाहिए, मैं 20 भी रख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो एक्स और वाई के अंदर जो आएगा वो 30% ऑफ ये डेटा जो मैंने ऊपर दिखाया था ना, उसका 30% डेटा आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट टेस्ट वाई टेस्ट, ये देखिए। तो ये 30% डेटा इसके अंदर आ गया। देखो वहां पर नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा थी, यहाँ पर देखिए आपको कम नजर आ रही है, तो ये आ गया आपका 30% डेटा। मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, मैं इसको 20, मैं लेंथ भी पता कर लेता हूँ कि यार इसकी लेंथ कितनी है। पहले तो प्रिंट लेन ऑफ वाई टेस्ट, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा इसमें, ठीक है। सो इसकी लेंथ है 30, जब और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 30 करता हूँ, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि लेंथ है 45, ठीक है। और अगर मैं 100 कर देता हूँ, तो 100 की जो लेंथ है, सॉरी 100 इसको मैंने 100 कर दिया, तो इसके अंदर कंप्लीट पूरा डेटा आ जाएगा, मतलब जो डेटा साइज है वो पूरी उसमें आ जाएगी। तो कंप्लीट डेटा सेट हमारा आ गया, ये देखिए करीबन 100 के करीबन है, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने डेटा सेट को सेट कर दिया। तो मैं इसको 30 रख देता हूँ और इसको करवा देता हूँ दोनों को कमेंट आउट, ठीक है। सो ये मैंने एक्स एक्सेस के अंदर और वाई एक्सेस, एक्स और वाई दोनों के अंदर मैंने ट्रेन और टेस्ट दोनों डेटा को स्प्लिट कर लिया, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद में मेरे को, अब देखो यार डेटा कलेक्ट हो गया, डेटा स्प्लिट भी कर लिया हमने, अब क्या काम है हमारा, डेटा को क्लासिफाई करना। किसकी मदद से? हम एक रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, एक एल्गोरिदम देंगे, वो हमें क्या निकाल के लेके आएगा हमारे लिए, एक क्लासिफिकेशन मॉडल हमारे लिए तैयार कर देगा वो, कि भाई साहब एक एक एल्गोरिदम हमने पास किया और एक लॉजिक वो हमें आउटपुट में दे देगा। तो हमने क्या किया, असेंबल से इम्पोर्ट कर लिया रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को। अब मैं एक डेटा फ्रेम बना लेता हूँ, ये जो डेटा है इसके लिए मैं पहले डेटा फ्रेम बना लेता हूँ, क्योंकि जितना भी ये होता है काम होता है वो डेटा फ्रेम के ऊपर होता है, ठीक है। तो मैंने डेटा फ्रेम कैसे बनाया,
इससे हर एक कॉलम से एसोसिएटेड डेटा पास कर रहा हूं मैं। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है कि सारी रो और फर्स्ट मतलब पहला कॉलम, सारी रो दूसरा कॉलम, दूसरे रो कॉलम की सारी, पहले कॉलम की सारी रोज, इसका मतलब दूसरे जो कॉलम की सारी रोज, इसका मतलब होता है, कॉलन का मतलब होता है सारा सब कुछ, पहला तो रो और दूसरा कॉलम, रो इनटू कॉलम होता है ना, तो रो अगर ये लगा दूं तो मैं सारी रो हो जाएगी, अगर यहाँ पर भी एक और कॉलम लगा दूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, सारा कॉलम हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा भाई साहब, सेकंड नंबर का जो कॉलम है वही चाहिए मेरे को, ठीक है। ऐसे करके मैंने एक डेटा फ्रेम बना दिया, ठीक है, और मैंने इसको डेटा को हेड करके उसको मैंने प्रिंट करवाया। तो डेटा को प्रिंट करवाऊंगा तो इससे एसोसिएटेड सारा डेटा मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, चार ही हुआ क्योंकि वो मतलब बहुत सारा डेटा है तो सारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लासिफिकेशन, एक क्लास है जो रैंडम फॉरेस्ट क्लास है जो मैंने असेंबल से लेके आया हूँ, मैं असेंबल से जो रैंडम फॉरेस्ट क्लास लेके आया हूँ उसको, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और एन एस्टिमेटर, ये क्या है, ये है नंबर ऑफ डिसीजन ट्री, इट इज नंबर ऑफ डिसीजन ट्री, मतलब कितने नंबर ऑफ डिसीजन ट्री हमें चाहिए हैं, ठीक है। सो उसके लिए मैंने क्या किया, नंबर ऑफ डिसीजन ट्री को क्या कर दिया, एन एस्टिमेटर्स इक्वल टू 100 कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा यहाँ पर, ठीक है, इस रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का, जिसके अंदर जो एस्टिमेटर है, जो नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज है वो 100 है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ट्रेन करने के लिए डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा मेरे को, तो क्लासिफिकेशन के अंदर फिट करके एक एट्रीब्यूट होता, वो आपका एक मेथड होता है, ठीक है। सो उस मेथड के अंदर हम क्या करवाएंगे, एक्स जो ट्रेन है और वाई जो ट्रेन है वो डेटा इंसर्ट कर देंगे। डेटा इंसर्ट करने के बाद में वो उसको क्लासिफाई करेगा, उसके अंदर मतलब अपने आप को ट्रेन करेगा, नंबर ऑफ जो एस्टिमेटर्स है सबके पास में सैंपल डेटा जाएगा, और ये अलग अलग जो डिसीजन ट्रीज है वो मतलब इंडिपेंडेंटली अपने आप को ट्रेन करेंगे, जो 100 डिसीजन ट्रीज है वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को ट्रेन करेंगे, ठीक है। सारे डिसीजन ट्री ने अपने आप को ट्रेन कर लिया, देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ, सारे डिसीजन ट्री ने अलग अलग सेम डेटा के ऊपर अलग अलग तरीके से अपने आप को ट्रेन कर लिया, ठीक है। हर एक ने अलग अलग लॉजिक लेके आया, मान लीजिए कि मीन, आप देखेंगे कि मीन जो है कितनों का लॉजिक सेम है, उसी को क्या कहते हैं हम, एग्रीगेशन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने अब यहाँ पर हमारा डेटा ट्रेन हो गया, अब मैंने क्या किया उसके ऊपर प्रिडिक्ट किया, मैंने जो एक्स जो टेस्टिंग डेटा है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए मैंने कहा कि ये तो लो इनपुट और मेरे को प्रेडिक्शन दो, तो प्रेडिक्शन में क्या मिलेगा, वाई आउटपुट मिलेगा मेरे को, ठीक है। प्रेडिक्शन मिल गया, वाई प्रेडिक्ट आ गया। अब मैं ये चेक करूंगा कि जो वाई प्रेडिक्ट आया, जो मेरे इस क्लासिफिकेशन मॉडल ने बनाया है, और वाई प्रेडिक्ट जो असल में होना चाहिए था, असल वाला कहाँ था, वाई टेस्ट, ये तो असली है, और ये क्या है, ये प्रेडिक्टेड है। तो अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इन दोनों के अंदर एक्यूरेसी कितनी है, इन दोनों के बिटवीन एक्यूरेसी कितनी है। तो इसके लिए मैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है वो स्किटलर्न से ही मैं इंपोर्ट करवाऊंगा, और एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल मैं क्या करूंगा, मैट्रिसेस में एक्यूरेसी स्कोर करके एक मेथड है, ठीक है, उस पर्टिकुलर फंक्शन को मैं, मेथड को मैं कॉल करके उसके अंदर मैं वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्शन, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस है वो आ जाएगा मेरे को, कि भाई कितना डिफरेंस है और कितनी परसेंट की एक्यूरेसी है, वो एक तरीके से परसेंटेज में एक्यूरेसी मेरे को दे देगा, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरे को दे देगा वो, सॉरी, रन रन, और अब मैं इसको रन करवाऊंगा, ठीक है। ये मतलब लगभग कह रहा है कि 88% की जो एक्यूरेसी है वो दे रहा है। अब मैंने एक डेटा दे के भी देखा, इसके अंदर चेक करके भी देखा कि भाई साहब तुम प्रेडिक्ट करो इस पर्टिकुलर रो के लिए, इस पर्टिकुलर रो के लिए तुम कौन सी क्लास प्रेडिक्ट करोगे, तो इसने क्लास 0 प्रेडिक्ट किया, इसने कहा कि ये इसके लिए जो क्लास है वो है 0, मैं इसमें लिख देता हूँ क्लास, क्लास 0 का मतलब आपको पता ही है, देखो क्लास 0 का मतलब है सितोसा, ठीक है। इसने प्रेडिक्ट किया सितोसा, आप देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से भी देख सकते हो कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। यहाँ पर टारगेट नेम से मैं पर्टिकुलर वो भेज सकता हूँ और इसके अंदर क्लास भी भेज सकता हूँ, कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ मैं।
नेम्स कंट्रोल प्लस सी, और इसको मैंने यहाँ पर डाला बी, और इसके अंदर मैंने ये लगाया। ठीक, सितोसा। ठीक है, तो ये इसने इस पर्टिकुलर डेटा के लिए प्रेडिक्ट कर रहा है सितोसा। ठीक है, सो इसकी एक्यूरेसी है 88%। अब मैंने एक्यूरेसी भी जान ली। अभी एक बार फिर से मैं इसको ट्रेन करवा देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं फिर से इसको ट्रेन करवा कर इसके अंदर ये वाला पार्ट देखूंगा तो इसकी एक्यूरेसी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। इसको यहीं से कर लूँगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करवाऊँ तो इसकी एक्यूरेसी और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो मैं इसको शुरुआत से रन करवाता हूँ। रन करवाया, इसको रन करवाया मैंने। ठीक है, यहाँ पर इसको रन करवाया, फिर इसको रन करवाया, और अब इसको रन करवाया। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो एक्यूरेसी है और बढ़ गई। ठीक है, सो फ्रॉम एस के लर्न, मैंने मतलब यही पर्टिकुलर चीज़ को मैंने रिपीट किया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार कौन से फीचर की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो इनपुट है वो अलग अलग इनपुट है, जैसे कि सेपल की लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, पेटल की लेंथ हो गई, विड्थ हो गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार किसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, और किसकी इम्पोर्टेंस फिर बाद में मैं उसको एक मतलब एक ऑर्डर में भी मैं उसको प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ कि एक ऑर्डर आए मेरे पास में। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, पांडास के अंदर जो सीरीज करके एक वो है, मैंने उस पर्टिकुलर उसको यूज़ किया, मेथड को यूज़ किया, सॉरी सीरीज करके जो क्लास है उसको यूज़ किया। इसके अंदर मैंने पास की क्लासिफिकेशन डॉट फीचर इम्पोर्टेंस, और जो भी फीचर्स हैं क्लासिफिकेशन के अंदर जो फीचर्स इम्पोर्टेंस है मैंने वो पास किया। इंडेक्स पास किया, इंडेक्स इक्वल टू जो इरीज के जो फीचर नेम है वो सारे इरीज के मतलब इम्पोर्ट कर दिए। तो फीचर के जो इम्पोर्टेंस है वो तो क्लासिफिकेशन में ही होगा। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, ये मेरे को एक सीरीज देगा। ठीक है, इन दोनों से एसोसिएटेड एक सीरीज दे देगा, किस ऑर्डर में शॉर्ट कर दूंगा मैं उस वैल्यू को। शॉर्ट करवाने के लिए मेरे को इस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है, नहीं तो मैं तो इसको इस तरीके से भी तो कर सकता हूँ प्रिंट। ये तो यहाँ से भी अपने को मिल जाएगा कि वो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो तो सारे यहीं से मिल जाएंगे अपने को, ठीक है ना। ये सारे फीचर्स हैं, उनकी इम्पोर्टेंस हमें यहीं से मिल जाएगी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैंने फीचर के नाम दे दिए, मेरे को फीचर के नाम भी चाहिए। ठीक है, और उन उससे एसोसिएटेड उसकी इम्पोर्टेंस चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये सीरीज जो क्लास है मैंने इसको यूज़ किया, और उससे एसोसिएटेड जो शॉर्ट वैल्यूज़ का जो फंक्शन है मेथड है उसको मैंने असेंडिंग कर दिया। उसका फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए, मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट वाला ऊपर, फिर उससे हाईएस्ट, फिर उससे कम, उससे कम, इस तरीके से मेरे को जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने असेंडिंग को फॉल्स कर दिया। सो आई होप आपको ये समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट है इसके अंदर सो कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।